नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री सन है। किला कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आर्यन समेत बाकी दोनों लोगों को 7 अक्टूबर के लिए एनसीबी के रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि एनसीबी 11 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी चाहती थी। वहीं आर्यन के ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद से ही कई जानी मानी हस्तियों की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस मामले में बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजपाल यादव का कहना है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा, आर्यन खान के ड्रग्स मामले में नाम आने और गिरफ्तारी की खबर उनके लिए भी हैरान कर देने वाली है। राजपाल ने कहा, सभी अच्छी राह पर आए, ईश्वर सबको सही दिशा में ले चले, मैं यही दुआ करता हूँ। हम खुद अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं, सबको सही राह मिलनी चाहिए। मैं बस यही दुआ करता हूँ, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। राजपाल यादव ने साफ तौर पर आर्यन खान को सही राह पर चलने की सलाह दी। बता दें, एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान के फोन से कुछ चैट सामने आए हैं। वो ड्रग्स खरीदने और बेचने की योजना बना रहे थे, इसके लिए वो कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। इस बात के सबूत उनके चैट से मिले हैं। वहीं आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा, मेरे मुवक्किल को क्रूज पर हिरासत में लिया गया था। उन्हें वहां खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। वो एक दोस्त के साथ वहां गए थे। वो नहीं जानते थे उन्हें क्रूज पर कौन सा केबिन अलॉट किया गया था। आर्यन खान के वकील का कहना है कि वो किसी ऑर्गेनाइजर को भी नहीं जानते। आर्यन के दोस्त को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास 6 ग्राम चरस थी। इससे आर्यन का कोई ताल्लुकात नहीं है। बता दें, शाहरुख खान के बेटे से जुड़े इस मामले में कई लोग प्रतिक्रिया दे रही हैं। राजपाल यादव से पहले सुनील शेट्टी और पूजा भट्ट भी एक्टर का सपोर्ट कर चुके हैं। वहीं सलमान को शाहरुख से मिलने उनके घर पर देखा जा चुका है। न सिर्फ सलमान बल्कि उनकी बहन अलवीरा और भाभी सीमा खान भी एक्टर के घर पहुंचे थे। राजपाल यादव के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।